नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सनोडिया और आपका वापस से स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपको कुछ बहुत ही सुंदर हैंगिंग प्लांट्स के बारे में जानकारी देंगे। ये सारे प्लांट्स आप अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ऐसे हैंगिंग प्लांट्स कौन से हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉस्टन फर्न का है। यह बहुत ही खूबसूरत और जाना माना प्लांट है जो कि हाउस प्लांट के रूप में अपनाया गया है। यह इसकी पतली और टाइनी लीव्स के कारण बहुत अट्रैक्टिव लगता है। गर्मी वाले माहौल में भी अपने आप को ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसे हल्की धूप वाला या इनडायरेक्ट सनलाइट वाला ब्राइट एरिया बहुत पसंद है। इसकी रूट्स को हमें हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए और कोई भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र महीने में 2 बार देने पर इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसे हम इंडोर या आउटडोर दोनों प्रकार से आसानी से लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम स्पाइडर प्लांट का है। ये बहुत आसानी से मेंटेन किए जाने वाला सुंदर प्लांट है। इसे हम इंडोर या आउटडोर दोनों जगह पे बहुत आसानी से ग्रोथ दे सकते हैं। यह प्लांट हमारे वातावरण की पॉल्यूटेड एयर को भी प्यूरीफाई करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आपको लगे कि पॉट की अपर सॉइल सूख रही है तब हम इसे वाटरिंग कर सकते हैं। इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाकर रखना चाहिए। इसके स्पाइडर्स से इसे प्रोपोगेट करना ही बहुत आसान होता है। बहुत जल्दी से ये ग्रोथ कर लेता है। आप भी इसे मेरी तरह अपने घर पे हैंगिंग बास्केट में लगाकर अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम ड्रैनेरिया फर्न का है। इसे भी हम हैंगिंग प्लांट के रूप में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे बास्केट फर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी लीव्स का शेप बहुत ही यूनिक होता है और फिंगर की तरह दिखाई देता है। इसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी नोड्स का आकार भी बहुत अलग होता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हैंगिंग प्लांट के रूप में ये भी बहुत अच्छी चॉइस है। हमारी लिस्ट के अगले प्लांट का नाम टर्टल वाइन है। इसे चेन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती है। हैंगिंग बास्केट पर लगाने पर यह किसी चेन की तरह नीचे की ओर लटकती है जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसकी लीव्स में बहुत अच्छी शाइन होती है और ये प्लांट भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। यह एक रफ एंड टफ प्लांट है और बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। देखने में बहुत सुंदर है। आप भी मेरी तरह इसे अपने घर में हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। हमारा अगला हैंगिंग प्लांट सिंगोनियम प्लांट है। इस प्लांट को भी हम हैंगिंग बास्केट या पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट बहुत सारी वेराइटी में पाया जाता है और अलग अलग वेराइटी के अनुसार इसकी लीव्स का आकार भी चेंज हो जाता है। यह बहुत कम देखरेख के साथ में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसे अगर हम इनडायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट लाइट में रखें तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसे हम मनी प्लांट की ही तरह कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और आप भी मेरी तरह इसे अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला नाम मोंडो ग्रास का है। यह बहुत आसानी से हमारे आसपास की नर्सरी में मिल जाता है। यह वास्तव में ग्रास की वेराइटी नहीं है पर इसकी लीव्स का साइज़ और लुक के कारण ग्रास की तरह दिखाई देता है। इसकी पत्तियों का साइज़ पतला और ब्लेड की तरह होता है जो कि सेंटर से बाहर की तरफ फ्लो करती है जिसके कारण इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्लांट को अगर हम किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र ना भी दें तो भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। आप भी मेरी तरह अपने घर पे इस खूबसूरत से प्लांट को लगाकर इसे ग्रोथ दे सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगले प्लांट का नाम जेब्रीना है। यह प्लांट भी हैंगिंग पॉट में आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी लीव्स का रंग पर्पल और हरे रंग का होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह भी बहुत कम केयर के साथ में बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर हम इसकी किसी भी ब्रांच को तोड़कर मिट्टी में लगा देते हैं तो भी ये आसानी से ग्रोथ ले लेता है। ये बहुत सारी वेराइटी में पाया जाता है और हर मौसम में ग्रोथ करता है। आप भी इसे मेरी तरह हैंगिंग पॉट में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। हमारे हैंगिंग प्लांट्स की अगली लिस्ट में रिबन ग्रास का नाम है। इसे हम बहुत आसानी से हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और बहुत कम मेंटेनेंस के साथ में इसे अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसकी लीव्स दोनों ओर से वाइट और सेंटर में ग्रीन होती है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। अच्छी ग्रोथ होने पे इसकी लीव्स का आकार लगभग 2 फीट तक हो सकता है। यह बिल्कुल रिबन की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम रिबन प्लांट पड़ गया है। ये बहुत आसानी से हमारे आसपास की किसी भी नर्सरी में मिल जाता है और किसी भी प्रकार की सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। हमारी लिस्ट का अगला प्लांट कारपेट सीडम के नाम से जाना जाता है। यह एक सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसे स्टोन क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। यह हैंगिंग पॉट को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पानी देने पे इसकी लीव्स जो है वो गल भी सकती है। इसकी हाइट 2 से 3 इंच की होती है और किसी कारपेट की तरह यह लगाए गए एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। यह आउटडोर और पार्शियली शेडेड एरिया में आसानी से ग्रोथ करता है। इसमें गर्मी के दिनों में छोटे छोटे पीले फूल भी आते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप भी इसे मेरी तरह अपने घर में हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में अगला प्लांट चाइना पिंक है। इसे रेनबो पिंक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ्लावर देने वाला प्लांट है।
इसके फूल या फ्लावर्स बहुत सारे रंग में या कलर में पाए जाते हैं और साल के 12 महीने इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और ओवर वाटरिंग करने पर यह गलने भी लगता है। महीने में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र 2 बार देने पर यह प्लांट बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है और हैंगिंग पॉट में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप भी इसे आपके घर में हैंगिंग पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे हैंगिंग प्लांट्स जिन्हें हम हमारे घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो में हमारी जानकारी देने के तरीके में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।